नमस्कार दर्शक बंधु आपण स्वागत करछि वर्तमान रा ए वीडियो रे। तबे देखंतु आपण मन पई बहुत बढ़िया अपडेट ती आंदी छि जोटा कि ओडिसा रो कटक डिस्ट्रिक्ट रो कृषि ऑफिस रे नियुक्ति आमर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जोटा रही छि कि धान गोवेषणा केन्द्र सेठी आपण मन को नियुक्ति मिलुछि। सबटु बड़ कथा जे एठी आपण मन को कोनोसी परीक्षा करा जीव नाही, सीधा सळक साक्षात्कार माध्यम रे आपण मन को एठी नियुक्ति दिया जीव। तबे जदि आपण माने एठी नियुक्ति पाउछंती ताहाले 39000 टंका पाखापाखी आपण मानको सैलरी रहिबो टीए डीएचआर रे मिसैकी। एवं एठी उड़ीसा रो प्रत्येक जिल्ला रो पिला माने एई नियुक्ति रे भाग नै परिबे, उभय पुरुष एवं महिला समस्त एथि पई इलिजिबल अटंती। तबे वीडियो माध्यम रे मु आपण मानको जॉब रो संपूर्ण अपडेट टी प्रोवाइड करबि, तेन करी वीडियो टी को शेष जाय देखे नेबे जहा द्वारा कि आपण मानकर समस्त डाउट क्लियर हे जिवो, आपण माने एही नियुक्ति रे भाग नै परिबे। तबे चालंतु संपूर्ण अपडेट टी को जानि रखिबा एही वीडियो माध्यम रे। तबे देखंतु फ्रेंड्स, रिक्रूटमेंट रो अपडेट अनुसार केउठी आपण मानको नियुक्ति रहिछि ना, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जोटा कि आम ओडिशार कटक गोटे अच्छी से निजुक्ति मिलूँ। कंट्राक्चुअल बेसिक रो पोस्ट रही आपण मानक तीन प्रकार पोस्ट वैकेंसी देखा मिलूँ। जूनियर रिसर्च फेलो, ग्रेजुएट असिस्टेंट एवं एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर रे बा ऑपरेटर पोस्ट वैकेंसी जो आपने वाक इन इंटरव्यू माध्यम रे निजुक्ति पाई। ओडिशार सब पिला एथिपाई इलिजिबल अटंती। कटक डिस्ट्रिक्ट रे आपण मानको नियुक्ति मिलिबो। एठी बोथ मेल एंड फीमेल समस्त एही फॉर्म पई बा एही नियुक्ति रे भाग नै परिबे। 4/7/2023 रु आरंभ करकी 6/7/2023 मध्ये रे आपण माने एहार इंटरव्यू जाईके देई परिबे। एठी जदि आमे देखिबा एठी आपण माने नियुक्ति पाउछंती केउ केउ थरे कोन कोन सैलरी रहिछि। जदि आपण माने जूनियर रिसर्च फेलो रे नियुक्ति पाउछंती ताहाले 31000 टंका सैलरी रहिबो। जदि ग्रेजुएट असिस्टेंट पई नियुक्ति पाउछंती 20000 टंका सैलरी रहिबो। जदि एग्रीकल्चरल फील्ड ऑपरेटर पई आपण माने नियुक्ति होउछंती ताहाले 15000 टंका सैलरी रहिबो। एही नियुक्ति रे आपण मानकर सैलरी टाइम टू टाइम इंक्रीज करिवो, आपण मानकर इयरली इयरली आपण मानकु इंक्रीज सैलरी मिलिवो। तबे एठी आपण मानकर जो आवश्यक क्वालिफिकेशन रहिछि को पोस्ट पई कोन सब क्वालिफिकेशन रहिछि ताहा भी मैटर करछि। जदि आपण माने जूनियर रिसर्च फेलो पई इलिजिबल हो चाहौछन्ति ताले पीजी कंप्लीट पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करथिबे आपण माने निश्चित रूपे एथि पई इलिजिबल हेइ परिबे। एवं जदि ग्रेजुएट असिस्टेंट पई आपण माने इलिजिबल हो चाहौछन्ति ताले बीएससी स्टूडेंट एथि पई योगदान करिपरिबे। जदि असिस्टेंट सॉरी एग्रीकल्चरल फील्ड ऑपरेटर पई आपण माने इलिजिबल हो चाहौछन्ति ताले 10th पास करथिले आपण माने एथि पई इलिजिबल हेइ परिबे। एवं एथिरे आपण मानकर वयस सीमा जा आवश्यक करछि। जदि आपण माने जूनियर रिसर्च फेलो पई अप्लाई बा योगदान करबाक चाहौछन्ति आपण मानकु मैक्सिमम 45 वर्ष भितर होइतिबा आवश्यकता रहिछि। आउ एठी आपण मानकर ग्रेजुएट असिस्टेंट पई 21 वर्षरु 55 वर्ष भितर प्रार्थी योगदान करिपरिबे। एवं जोटा कि एग्रीकल्चरल फील्ड ऑपरेटर रहिछि सेठी 18 वर्षरु 50 वर्ष भितर प्रार्थी माने योगदान करिपरिबे। आमे देखिबा जदि एठी एससीएसटी ओबीसी कैटेगरी पिला माने एक्स सर्विस मान पिला माने समस्त पई एज रिलैक्सेशन रहिछि। जदि आमे ओबीसी स्टूडेंट मान पई देखिबा 3 वर्ष वयस सीमा कोहल, एससी एसटी पीडब्ल्यू मान पई 5 वर्ष, एक्स सर्विस मान मान पई 5 वर्ष। एवं जो कैटेगरी पिला माने पीडब्ल्यू डी बिलोंग्स करछन ता सहित एससी एसटी हेतिबे से मान पई 15 वर्ष वयस सीमा कोहल करा जाइछि। तबे एही फॉर्म रे आपण मानकर त रिक्रूटमेंट प्रोसेस रे अप्लाइंग प्रोसेस किछि नाही, तेणु करे आपण मानको कोनोसी एप्लीकेशन फीस दबाक पड़िबो नाही। मागणा रे आपण माने एथिरे योगदान करि परिबे, एही नियुक्ति रे भाग नै परिबे। वाकेल इंटरव्यू रहिछि कटक डिस्ट्रिक्ट रे, कटक डिस्ट्रिक्ट रे जाइके आपण मानकर राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जोठी रहिछि आपण माने सेठी जाइके इंटरव्यू देइ परिबे। मागणा रे आपण मानकर इंटरव्यू रहिबो, कोनोसी पैसा दबाक पड़िबो नाही। तबे आपण मानकर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सब कोन कोन रहिबो, आपण माने जेतले इंटरव्यू जिबे सेठी आपण मानकर कोन कोन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रो सर्टिफिकेट आवश्यकता रहिबो से विषय भी जानि रखंतु। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपण मानकर जेहेतु आपण मानकर जूनियर रिसर्च फेलो, ग्रेजुएट असिस्टेंट एवं फील्ड ऑपरेटर पोस्ट रही 10th क्वालिफिकेशन, प्लस टू क्वालिफिकेशन, प्लस थ्री क्वालिफिकेशन वैकेंसी आसी तेज आपण मानक से अनुसार आपण मानकर सर्टिफिकेट आवश्यक रहिबो। जदि आपण माने हायर पोस्ट पे अप्लाई करछन्ते ताले ग्रेजुएशन कंप्लीट करथिबे, पीजी स्टूडेंट हेथिबे पीजी सर्टिफिकेट नै किजिबे। जदि प्लस टू बीएससी कंप्लीट करथिबे आपण मानकर प्लस टू सर्टिफिकेट नै किजिबे। एवं आपण माने जदि जो फील्ड ऑपरेटर पोस्ट रहिछि सेति पे अप्लाई करबाक चाहथिबे ताले माने सेतिरे योगदान करबाक चाहथिबे ताले 10th क्वालिफिकेशन रो मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट नै जाइथिबे। एठी आपण मानकर सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ
ଯେଉଁଥିରେ କି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ମେନ୍ସନ୍ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ନେଇଥିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଟେନ୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ସେଇଟା ମେନ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ନଚେତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ବି ସେଇଟା ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ। ଦୁଇଟି ରିସେଣ୍ଟ କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ, ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ରହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଫିସ୍ ରହିଛି, ସେଠି ଆପଣମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ। ଏବଂ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି, ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ତେବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି ସେ ପୋଷ୍ଟ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ତିନୋଟି ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 4/7/2023 10:30 AM ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଇଲିଜିବଲ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 5/7/2023 10:30 AM ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଫିଲ୍ଡ ଅପରେଟର ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 6/7/2023 ଆରମ୍ଭ କରିକି ସେହିଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନିଆଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ରହିଛି ଏଇ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଏହି ନିଯୁକ୍ତିରେ ଆପଣମାନେ ଭାଗ ନେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ICAR ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଟକ ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେସିକାଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ PDFଟି ରହିଛି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଠି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ PDFଟି ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁ PDFକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ସବୁ ଭଲସେ ବୁଝିବେ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ୱାକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଚାକିରିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଙ୍କ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ରହିଛି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ PDFକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଯଥା ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାରତର ଯେଉଁ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା କିଛି ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୂଚନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ସେତିକି, ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ ନୂଆ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ନେଇ ଆସିବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।